हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे लेनोवो आइडिया पैड S145 लैपटॉप में विंडोज़ करप्ट हो जाने से कैसे रिपेयर करते हैं और लेनोवो की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली नो की या फिर वन की को अप्लाई कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करती है और ये की अवेलेबल कहाँ होती है लैपटॉप में, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं लेनोवो का आइडिया पैड 145 है और ये अभी बूट हो रहा है। इसमें इमेज करप्ट होने का इशू है, जो विंडोज़ स्टार्टअप नहीं हो रही है, बार बार रीबूट हो रहा है। तो अभी ये ऑन होने का प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं जरा। लोडिंग, और यहाँ से ये फ्लैश हुआ, इसके बाद ये रीस्टार्ट किया इसने। अब ये बूट हो रहा है दोबारा से, ये बूट कंप्लीट हुआ। अब दोबारा वही लोडिंग का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अगेन ये यहाँ पर, और ये रीस्टार्ट हो गया, ये ऑन नहीं होगा। ये ऐसे ही बहुत बार ये प्रोसेस चलता रहता है और ये विंडोज़ ऑन नहीं होती है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, अपने लैपटॉप को शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आइडिया पैड S145 है और यहाँ पर हम राइट साइड से मूव करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एक की है, ये पिन होल है। मेरे पास ये पिन है जो सिम इंजेक्टर भी है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सिम इंजेक्ट करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली यहाँ पर इस बटन को वन टाइम प्रेस करना है और ये हमारा लैपटॉप पावर ऑन हो जाएगा अपने आप। और ये बूट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास चार ऑप्शन है। हमें सेलेक्ट करना है सिस्टम रिकवरी, हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम ये लैपटॉप हार्ड रीसेट हो जाएगा एज अ ब्रांड न्यू, सो जो भी हार्ड ड्राइव में डाटा हो, या तो आप इसे बैकअप के तौर पे ले सकते हैं या फिर आगे अपने हार्ड ड्राइव या फिर किसी भी ड्राइव में से स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ऑप्शन इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल आता है कंटिन्यू, यूज़ अ ड्राइव, अनदर ऑपरेटिंग, ट्रबल सूट। तो ये विंडोज़ करप्ट हो चुकी है जैसे कि मैंने बताया। तो ये मेरा लैपटॉप है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रबल सूट सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पर रीसेट एडवांस ऑप्शन पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्टअप, रिपेयर, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे आपकी नीड रहे। मैं बैक करता हूँ और रीसेट द पीसी, एवरीथिंग रिमूव, तो ये रिमूव हो जाएगा। गाइस, जैसे कि मैंने देखा, ये लास्ट में मेरे पास ऑप्शन दे रहा है रीसेट दिस पीसी, ऑल द ऑप्शंस लाइक रिमूव पर्सनल फाइल्स, अकाउंट्स, चेंज सेटिंग्स,
आपको प्रोग्राम दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रीसेट क्लिक करता हूँ और ये स्टार्ट हो गया। और ये बहुत इजी वे है अपने लेनोवो लैपटॉप को रीसेट करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।